भलके आने वाली केंद्र किसान मीटिंग जी रद्द भी हो सकती है। और एक इस वेले की एक होर वड्डी खबर यह है कि भुपेंद्र सिंह मान जिहड़े कि कमेटी के मैंबर सन, जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, उस कमेटी के मैंबर सन भुपेंद्र सिंह मान, हालांकि कारण की ने कारण अजे तक सामने नहीं आए, कारण भी जोड़े ने जरूर सामने आएंगे, पर वड्डी खबर इस वेले दी। और इस वेले दी इस करके ये वड्डी खबर जिथे ये जानकारियां आ रही ने कि केंद्र मना कर सकता है, कह सकता है मीटिंग कल वाली रद्द हो सकती है, और ये भी कह सकता है किसानों कि तुम कमेटी के सामने जाके पेश होवो, और कमेटी जी है गलबात करन लई वो कह सकते हैं कमेटी कि किसानों के नाल राबता करो बजाय कि केंद्र के नाल मीटिंग। पर उस विचकार जो ये खबर आती है कि भुपेंद्र सिंह मान ने कमेटी चो मना कर दिता हिस्सा लैन दे, तो इस वेले अहम काफ़ी एक खबर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी। हालांकि अगर दो दिन बाद ही मनाही हो रही है तो सवाल ये भी उठ रहा है कि सहमति मंगी गई थी कि नई मैंबरों तो, या किस बिहाफ से कमेटी बनाई गई थी, या फिर क्यों ठीक नहीं समझिया भुपेंद्र सिंह मान ने इस कमेटी का हिस्सा रहने लई। सवन सिंह पंदेव फोनलाइन पर ने साडे नाल, पंदेव साहब की कहोगे इस वेले भुपेंद्र सिंह मान दे वलों कमेटी नूं छड़ना की मायने रखता है? देखो जिवें बाबा पहलो लिखिया सीगा वी मान साहब पहलो सरकार नूं इन्हां कानूनां बारे लिख के दे चुके सी वी कानून ठीक आ, हुण क्योंकि पूरे देश दे किसान मजदूर जिहड़े अंदोलन कर रहे आ, जे उन्होंने कमेटी छड्डण दा फैसला कीता जां उन्होंने हुण अपने विचारां ते फिर दुढ़ विचार किया भी मैं जिहड़ा लिख के दित्ता सी उह ठीक नहीं गा, ते चंगी गल आ, मैं कोई इन क्यों नहीं हो सकता, चलो चंगी गल पहले भी सरकार सरकार है कमेटी नू मनदे ही नहीं, पर एक कमजोर कड़ी कहोगे इत्थे दूसरे पासे तो तुहाडे वाले पासे तो नहीं कमेटी तजवीज नू तां रद्द कर चुके हैं ना? नहीं नहीं वो ठीक है पंदेव साहब, मेरा सवाल यह है कि जिवें तुसीं तां कह चुके हो सी कमेटी सामने नहीं पेश होना, पर जदों कोर्ट ने कमेटी बनाई कि कोई राबता कीता होएगा, किस बिहाफ ते बनाई, कि कोई गलबात नहीं करके बनाई, अपने आप ही मेंबर्स दे दिते, या फिर इस मोड़ ते आके मनाही करना, की समझ रहे हैं? असि कमजोर कड़ी वेख रहे हैं ना, बेशक वो केंद्र कमेटी दे वलो हो गया, जिस तरह दे नाल भी दूसरा पक्ष। हाँ तुहाडी गल ठीक है, वजह वा क्योंकि ये तां जिहड़े मेंबर सी उह दस सकदे सी वी उहनां नूं पुछिया कि नहीं, पर आ गल साबित हो गई जे उह छड्ड रहे ने तां मतलब उहनां नूं विश्वास च नहीं लिया गया, सरकार ने सिर्फ इह देखिया जां क्योंकि इस वेले मनाही करना, हालांकि कारण की है खुद भुपेंद्र सिंह मान उन्होंने वालों इस अजे स्पष्ट किया गया या नहीं किया गया, साडे कोल अजे तक इसकी जानकारी नहीं, पर कुल मिला के ये है कि वड्डी खबर है कि उन्होंने कमेटी को छड्डिया, हालांकि ये जरूर साफ करेंगे कि किमें और क्यों, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, जिवें पंदेर साहब भी कह रहे थे ये भी एक वड्डा कारण हो सकता उन्होंने विश्वास से ना लिया गया होवे, हो सकता है वो इस दिले ही उन्हों का जमीर ना मन रहा हो कि नहीं जो अंदोलन चल रहा इस किमें वो दूसरे पक्ष तो जो गलबात कर सकते हैं, हालांकि कमेटी बनाई है, किसानों की भी सुनो, सरकार की भी सुनो, और सीधी रिपोर्ट सौंपो सुप्रीम कोर्ट को, उस तो बाद जो भी फैसला होएगा उस बिहाफ से, पर कुल मिला के मसले का हल इतने अजे कुछ भी निकलता नहीं जा रहा, बल्कि ज्यादा गुंझलदार होंदा जा रहा। और सुरजीत कुमार जयानी साढ़े नाल फोन लाइन पर ने, बीजेपी आगू जयानी साहब की कहोगे जो हाल ही की घड़ी बनी हुई है, कमेटी बनाएगी पर भुपेंद्र सिंह मान ने कमेटी को छड़िया? तो देखो जी मैडम जी, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो तो अपनी पर्सनल राय है, उहदे विच आपां कोई अपनी राय कुछ नहीं दे सकते, आपां उहदे विच की राय दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कोई मामला आवे उहदे विच आपां नूं किंतु परंतु साढ़े वर्गियां नूं कोई बयान देना उचित नहीं है। नहीं पर की लगता है, हुणे पंदेश साहब गल कर रहे सी जानी साहब साढ़े नाल फोन लाइन ते सीगे, वह कहते हो सकता है उन्होंने राय ना ली हो, मतलब कमेटी के मैंबर तुहाडे कोल है जानकारी कि किस तरह के नाल ये रखे गए? नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का है, मतलब मैटर सुप्रीम कोर्ट ने बनाए है, कोई लिस्ट कोई सुप्रीम कोर्ट नूं कोई आदेश या कोई लिस्ट थोड़ी दे सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना सिस्टम अपना उन्होंने है जी, तो उहदे विच उन्होंने बनाए है, उन्हें राय मंगी ना मंगी उहदे विच मैं नो कमेंट, मैं कुछ नहीं कह सकता उस ते कारण भी नहीं तुसी दस सकदे कि क्यों छड्डी, क्योंकि ओही ने जिन्हां ने हिमायत कीती, कारण तां तुसी मान साहब नूं गल करो जी, कारण तां ओही दस सकदे ना जी। ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जयानी साहब समा देने दे लई।
तो सुप्रीम कोर्ट के वालों चार मैंबरी कमेटी का गठन किया गया सी। इस बीजेपी आगू कह रहे हैं कि नहीं साढ़े वालों कोई कमेंट नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वालों ही एक कमेटी जोड़ा वो रिकमेंड किया गया से, उन्होंने ही मैंबर दते, उन्होंने ही फैसला सुनाया जो भी दिता। सो फिलहाल सवाल कई वड्डे ने और सीधे चलते हैं न्यूज़ रूम, एडिटर लगातार साढ़े नाल मौजूद ने। नवनीत जी गल करिए पंदेर साहब कह रहे हैं हो सकता है कित ना कि जोड़ा है वो पूछा ना गया होवे और जमीर अलाउ ना कर रहा हो, इस करके उन्होंने मना कर दिया, और जानी साहब कह रहे हैं नो कमेंट्स। देखो बिल्कुल गुरजोत, चिट्ठी जो जारी की गई है भुपिंदर सिंह मान वालों, मैं एक बार वह हवाला भी दे देना कि वाइल आई एम थैंकफुल टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर नॉमिनेटिंग मी इन द फोर मेंबर कमेटी टू स्टार्ट डायलॉग विद किसान यूनियन ऑन द थ्री लॉ ब्रॉट इन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए फार्मर माई सेल्फ एंड अ यूनियन लीडर इन व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स एंड एप्रिहेंशंस अमॉन्ग्स द फार्म यूनियन एंड द पब्लिक इन जनरल I am ready to sacrifice any position offered or given to me so as to not compromise the interest of Punjab and farmers of the country. I am recusing myself from the committee and I will always stand with my farmers and Punjab. So, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि किसानी हितों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने आप को इस कमेटी तो वक्फ किया है, चूंकि मैं भावें कि जिम्मेवारी दी गई थी पर एज ए फार्मर myself and as a union leader in the view of the prevailing sentiments and apprehensions amongst the farm union and the public in general I am ready to sacrifice any position offered jo offer kiti gayi hai aur given to me so as to not compromise the interest of punjab main punjab de hitan nu bilkul bhi ode te compromise nahi kar sakda and farmers of the country nale kisana de jehde oh ne I am recusing myself फ्रॉम द कमेटी मैं अपने आप उस कमेटी तो वक् करना एंड आई विल ऑलवेज स्टैंड विद माई फार्मर्स एंड पंजाब ते मैं हमेशा पंजाब दे किसाना ते पंजाब दे नाल खड़े रहूँगा। ए दो पैराग्राफ की एक चिट्ठी जारी करके भुपिंदर सिंह मान हुरा वालों अपना स्पष्टीकरण दिता गया ते अपने आप इस कमेटी तो वक् किया गया जी। सो इस मोड़ पर की कह सकते हैं, क्योंकि जिथे आप चर्चा कर रहे थे कि हो सकता सरकार कमेटी दे नाल राबता करन दा इंतजार करे और मीटिंग भी रद्द हो जाए, एक बार सवाल फिर तो करो सवाल यही है कि हुण इस मोड़ ते आपां आके की कह सकदे, क्योंकि इस तो पहला आपां चर्चा कर रहे सी हो सकदा मीटिंग रद्द हो जावे ते कमेटी नाल राबते नूं लैके चर्चा अगे वधे। देखो गुरजोत, सब तो वड्डी गल है कि जो दो दिन तो लगातार देखो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं बार बार दो दिन तो असीं कह रहे हैं कि सर मत्थे ते है, बट जिहड़ी कमेटी बनाई उस ते सवाल पहले दिन तो ही खड़े होने शुरू हो गए सी। परसों तो लगातार यह सवाल असी भी चुक रहे हैं कि जो लोग ऑलरेडी कानून की हिमायत कर चुके हैं, चिट्ठिया लिख चुके हैं, आखिरकार उन्होंने इन्होंने कमेटी शामिल क्यों किया गया, और इसे करके असं कह सकते हैं कि किसान जथेबंदियों इस कमेटी से कोई एतबार नहीं, उन्होंने ना मंजूर करता इस कमेटी को कि असं इन्हों के सामने पेश नहीं होवेंगे। और लगातार भुपिंदर सिंह मान जिहड़े कि कांग्रेस पार्टी तो राज्यसभा मैंबर भी रहे हैं और उन्होंने पुत्र गुरप्रताप सिंह मान इस वेले पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मैंबर भी ने, सो उन्हों वालों भी एक गल बार बार लगातार दो दिन तो उठ रही थी कि कांग्रेस पार्टी की मिली भगत कितने कितने है, जिस करके श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने भी दो दिन पहला जो परसों कोर कमेटी की मीटिंग की प्रेस नोट जारी करके सवाल खड़े किए, शायद एक पोलीटल प्रैशर कह लीए या हूँ चिट्ठी के भी जो गल भुपिंदर सिंह मान कह रहे हैं कि मैं पंजाब के किसानों के हितों को ध्यान रख के फैसला लिया इस करके पोजिशन छड़ी है, तो कोई भुपिंदर सिंह मान उन्होंने सवाल यह करे कि जो चिट्ठी लिख के तुम कानूनों की हिमायत की उदों तुहानू पंजाब दे ते किसानां दे हितां दा ध्यान नहीं आया, उदों ते तुसीं चिट्ठियां लिख के नरेंद्र तोमर नूं खेतीबाड़ी मंत्री नूं इन्हां कानूनां दी हिमायत कीती कि चंगे कानून ने, अज जदों सुप्रीम कोर्ट ने मैंबर बनाता कमेटी दा लगातार विरोध होया, कांग्रेस पार्टी ते भी सवाल खड़े होए, उदों तुसीं बाहर हो गए। सो इह सवाल वड्डे ने, मेरे ख्याल नाल सवालां दा जवाब कांग्रेस पार्टी ते दे ही रही है दो दिन तो, नाल दे नाल हुण भुपिंदर सिंह मान होरां नूं भी सामने आके, चूंकि प्रेस स्टेटमेंट ही है जिहड़ी जारी कीती गई है, सो सामने आके किते ना किते देना चाहीदा। बिल्कुल, सो यह चिट्ठी भी जी है वह विखा पा रहे हैं और किस तरह के नाल उन्होंने अपने वालों अपना कह सकते हैं कि जो एक बोझ सेगा दिल से दो दिन तो जिवें तुसीं दस रहे हो कि वह सारा लथ चुके है, पर कुल मिला के इस वेले काफ़ी अहम रहने वाला है कि कल की मीटिंग होएगी कि नहीं। फिर तो मैं उस सवाल पर आऊँगी नवनीत जी, की आसार लग रहे हैं क्योंकि सब इस पर नज़र लगा के बैठे ने, हो सकता है केंद्र अपना कुछ फैसला या कोई चर्चा करे। देखो सब तो वड्डी गल है कि कल दी मीटिंग ते संशय बरकरार ने, 99.9% एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जिवें मैं पहले भी जानकारी दे रहा सी कि सरकार ने कमेटी का हवाला देना,
इस करके गलबात नहीं करी और किसान कह रहे हैं कि असी कमेटी सामने पेश ही नहीं होना। सो कल की मीटिंग बहुत वड्डे सवालों के घेरे च, एक संकट के बादल उत्थे हैगे, पर सब तो वड्डी गल है कि हुण अगों दा अगे डायलॉग होएगा किवें, जदों किसान कह चुके हैं कि असी कमेटी सामने पेश नहीं होना, जदों सरकार कह रही है कि असी सुप्रीम कोर्ट कह रहे कमेटी बना चुके और सरकार कह रही है कि असी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइनस के अकॉर्डिंग चलांगे, सो हुण डेडलॉक पै गया है या डेडलॉक टुटेगा, एक सब तो वड्डा सवाल है। लगता है कि शायद शाम तक, क्योंकि सरकार कानूनी माहरा तो भी सलाह कर रही है, सो शाम तक लगता है कि कोई वड्डा फैसला इसको लेके आ सकता है। जी वापस आ जाएंगे, एक बार चिट्ठी जी पूरी तरह के नाल दर्शकों को विखा दें कि आखिरकार किस तरह के नाल उन्होंने एक तो धन्यवाद भी किया सुप्रीम कोर्ट का कि थैंक यू कि तुसी मैनू इन्ना जड़ा हिस्सा बनाया, पर कुल मिला के हुण उन्होंने अपने जमीर नू लैके आने की किसानी के हक की गल करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कह दिता कि मैं हुण एक कमेटी का जड़ा हिस्सा नहीं रहना चाहता। जिस तरह के नाल दो दिन तो चर्चावां ने, सवाल भी चुके गए सुखबीर बादलों के वलों कि क्यों ये मैंबर ने, और फिर अगर इस तरह की कोई गल है तो फिर क्यों अपना दे वलों जड़ा वो अपना हिस्सा इतने स्पष्ट नहीं कर रहे कि किस तरह के नाल। सो मैंबर होने के नाते उन्होंने साफ मना कर दिता है कि वह कमेटी के मैंबर जड़े ने वो नहीं रह सकते, और ये चिट्ठी जारी करके बाकायदा एक प्रेस नोट एक चिट्ठी उन्होंने जारी की है, और आज की तारीख दे विच ये चिट्ठी जी है वो दे दी, और कुल मिला के कह दिता कि कमेटी के मैंबर जड़े ने नहीं रहेंगे। सो चार मैंबर के हूँ तीन मैंबर जड़े ने वो रह गए हैं, एक मैंबर के वलों मना कर दिता गया। शंके पैदा हो रहे हैं कि कल की मीटिंग जी केंद्र के किसानों के विचाले होएगी, जे होएगी तो किस तरह के नाल और की चर्चा होएगी।